साईयो। निकल जाओ तुम यहां से, यहां ना स्वार्थ की जगह है और ना स्वार्थियों की। आपसे दूर होकर, आपका साथ छोड़कर मुझ पर क्या बीती है ये मैं ही जानती हूँ। आपसे ही तो प्यार किया है मैंने। मनुष्य होना आसान नहीं होता कावेरी। अब साई से गुहार मत करने लगना मुझे तुम्हारे साथ भेजने की। गुहार नहीं, धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने इनकी रक्षा की है, इनका इलाज किया है। आपने मेरे मांग के सिंदूर की ही रक्षा नहीं की है साई, आपने इनको जीवन देकर मुझे एक अवसर दिया है कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। रानू जी, मेरे भाई। कितने कमजोर हो गए थे परची, क्या हाल बना लिया है अपना, और इतने मैले कपड़े। अब पता चला मैंने यहाँ आने से पहले क्यों कहा था आपसे कि कपड़ों की दुकान पे चलते हैं। जाके उसे दिखाओ कि हम उसके लिए क्या क्या लेके आए हैं। जाओ। ये देखे, ये कपड़े हम लाए आपके लिए, नए नए खरीदे मैंने और आपके भाई ने। पुराना फेंका ना होता तो नए लाने की जरूरत नहीं पड़ती भाभी। इन्होंने आपको घर से क्या निकाला, मानो दशरथ ने राम को वनवास भेज दिया हो। आपके जाने के बाद एक पल भी ऐसा नहीं होगा जब मैं और आपके भैया तड़पे ना हो आपके लिए। क्या करते हैं, हम मजबूर थे ना। अब ये पहन लीजिए और हमारे साथ चलिए। देवर जी पागल हो गए हैं क्या आप? पता भी है आपको कितने महंगे कपड़े लिए थे आपके लिए? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? दो दिन बाद मंडी है और मंडी में इस बार आखिरी मौका है हमारे लिए, और तब तक फसल काटकर हमने बेचने के लिए तैयार नहीं की तो श्रद्धा सबूरी। देखा आपने, इस साई ने हमारे देवर जी को भी मंत्र भूखे वश में कर लिया आपने। ये क्या हो रहा है? अब आप कुछ बोलेंगे भी या हम ही बात करें? सारी बोलता हूँ।
साई ने मेरे भाई को वशीभूत कर लिया है अप्पा जी। जो भाई मेरा हमेशा सम्मान करता था मेरे साथ घर चलने के लिए मना कर रहा है, अपनी पत्नी को अस्वीकार कर रहा है। कुछ समय तो लगेगा कावेरी। समय लगेगा और तब तक हम मुंह ताकते रहें और साई को सोने के सिक्के हथियाने दें। आप अगर साई को जानती तो ऐसा कभी नहीं कहती। अरे छोड़िए, क्या बात कर रही हैं भाईजाक का, क्या हम नहीं जानते कि वही सोने के सिक्के के लालच में उस साई ने मेरे भाई को अपने सम्मोहन शक्ति से वश में किया हुआ है। तो सोने के सिक्कों के लिए सारा प्यार उमड़ रहा था। साई को तो मालूम भी नहीं है सोने के सिक्कों के बारे में। मैं बताना ही भूल गया, क्योंकि मेरे लिए मेरी बीमारी से ठीक हो जाने का असली इनाम तो साई को पाना है। साई, जिसके सामने सोने के सिक्के का कोई मूल्य नहीं, जब मेरा जीवन ही आपको समर्पित है तो ये भी आपका ही हुआ। देखो कैसा फकीर बना फिरता है, सोने के सिक्के कैसे झट से ले लिए। आपको चाहिए? मेरे देवर का है तो मेरा ही होगा ना, दीजिए। ये मिट्टी, सोना कहाँ है? मेरे हाथ में जो था वो आपको दे दिया। आपको नहीं चाहिए तो लौटा दीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारी मिट्टी, ये लो। हम तुम्हारा तमाशा देखने के लिए यहां नहीं आए। वो सोना कहां है जो अभी रानोजी ने तुम्हारे हाथ में दिया था? वही तो है, मैंने अपने पास कुछ नहीं छुपाया है, सब साक्षी हैं। आपको चाहिए? हाँ, लीजिए। ये क्या है? फिर से मिट्टी? काला जादू करता है। कुलकर्णी सरकार से तेरी शिकायत करेंगे और वो सोना निकलवा कर ही रहेंगे। अब दिखाओ काला जादू। अच्छा हुआ सोने के सिक्कों की बात यहीं खुल गई, नहीं तो मुझे हमेशा यही लगता कि आप सबको वापस लौटाकर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। एक तरफ आप लोग हैं
तो दूसरी ओर भाईजा आपका जो रोज मुझे और साईं को भोजन कराने आती है, जबकि इनके अपने घर में अगले दिन के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता होगा। आज से ना मैं किसी का भाई हूं और ना ही किसी का देवर और ना ही किसी का पति। आज से मेरी एक ही पहचान होगी, साई का सेवक। और बाकी साई के सारे सेवक मेरा नया परिवार होगा। जो एक दूसरे के लिए त्याग नहीं कर सकते वो संबंध स्वार्थ के संबंध होते हैं। और परिवार, परिवार वो है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठना जानता हो। स्वार्थ संबंध के लिए विष है, जहर है। और निस्वार्थ होना संबंधों का अमृत। क्या चाहिए? जब से आप आए एक शब्द भी नहीं कहा आपने किसी से। हाँ, तुम ही मिली हो बात करने के लिए। नहीं, लोग तो बहुत हैं, लेकिन पत्नी होने के नाते परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर आप मुझसे अपने मन की बात कहना चाहें तो केवल पीछे मुड़कर देखना, आप मुझे हमेशा अपने पीछे पाएंगे। मेरे पूर्वज जिन्होंने अपना जीवन इस गांव को समर्पित कर दिया लोगों का उपचार करने के लिए, लेकिन मैंने केवल वैद्य बने रहना स्वीकार नहीं किया। किसी ने मुझे कहा नहीं था, किसी ने विवश नहीं किया था, लेकिन शिरडी को व्यवस्थित करने के लिए मैंने अपने आप को ही दायित्व सौंपा था रुक्मिणी। उसके लिए अंग्रेज सरकार के सामने अपना शीश झुकाना पड़ा तो मैंने झुकाया। अंग्रेज सरकार की कार्य पद्धति को अपनाना पड़ा, मैंने अपनाया। क्यों? समस्त क्षेत्र में शिरडी को मैं एक अच्छा गांव बनाना चाहता था, अच्छा गांव। और वैसे हुआ भी। जो मान सम्मान, जो अधिकार मुझे यहां प्राप्त हुए वो मैंने अपने बल पर अर्जित किए, अपने बल पर। किसी के सामने मैंने भिक्षा नहीं मांगी। शिरडी के पालनहार कुलकर्णी सरकार यही नारा लगाते आए हैं शिरडी के लोग, लेकिन आज इन्हीं लोगों के नेत्रों में मैंने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा था रुक्मिणी। आज जैसे उनकी दृष्टि में मेरे लिए सम्मान घट गया। साई, केवल साई के बारे में बात कर रहे हैं सब, उसे अपना वैद्य समझ रहे हैं। क्यों? कौन है वो? क्या क्या है उसने शिरडी के लिए, शिरडी के लोगों के लिए? इतने वर्षों के मेरे उपचार का इतिहास देखो और उसने जो लोगों के लिए किया है वो देखो, कोई तुलना नहीं है उसके साथ मेरी।
केवल शिरडी नहीं, आसपास के 10 गांव मुझे इस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वैद्य समझते हैं। मेरे पिताजी मुझे कहते थे, तू अपने परिवार का सबसे अच्छा वैद्य है, सबसे अच्छा। जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कभी नहीं। आप मेरे साथ चलेंगे? मैं जानती हूं मैं आपकी तरह शिक्षित नहीं हूं, आपका जितना ज्ञान भी नहीं है मुझ में, लेकिन हो सकता है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। यहां क्या कर रही हो? अभी तक गई नहीं भैया भाभी के साथ? आपको लगता है कि मैं सोने के सिक्के के लिए आई थी? मैं यहां आई थी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तुमने देर कर दी कावेरी, तो कोई उम्मीद भी नहीं रही तुमसे। ऐसा मत कहिए, थी मैं कमजोर, आपके भाई भाभी के गांव के विरुद्ध जाकर मैं कुछ नहीं कर सकी, लेकिन यह माफी के लायक भी नहीं है मेरा यह अपराध। अब जब मैं ठीक हो चुका हूं तब तुम्हें ये बातें समझ में आ रही है? नहीं, तुम्हारे ठीक होने के बाद नहीं, तुम अभी भी बीमार हो। लेकिन वो अंग्रेज सरकार के वो वैद्य तो कह रहे थे कि उन्हें गलतफहमी हुई है। मुझे तो तुम्हारा रोग अभी भी दिख रहा है। कहाँ है? यहां है, तुम्हारे अंदर। राणू जी, असली इलाज वो नहीं जो तन के रोग को दूर कर दे, असली इलाज वो है जो मन के द्वेष, क्रोध, भय, असंतोष को भर दे, और इसके लिए कोई दवा नहीं, इसका इलाज यहां है, तुम्हारे अंदर। और जानते हो इस इलाज का नाम क्या है? क्षमा। एक
एक बार सोचो और बताओ कि अगर तुम कावेरी की जगह होते और ये रोग तुम्हारी जगह कावेरी को हुआ होता तो क्या तुम्हें तिनके बराबर भी संदेह नहीं है कि तुम उसका साथ देते? क्या ये बात तुम पूरे यकीन से कह सकते हो? एक बार सोचो, ध्यान से सोचो और फिर बताओ। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया कावेरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं लौट सकता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.